हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त 2017 का शिफ्ट वन का पेपर एसएससी सीजीएल प्री का। इसमें 8 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं इस सेट में से, वो 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक काम को ए बी एंड सी कंप्लीट करते हैं, ए और बी उस काम का 60% कंप्लीट करते हैं, बी और सी उस काम का 70% कंप्लीट करते हैं। हमें बताना है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। ठीक है, तो टोटल काम को हम मान लेते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, टोटल वर्क हमने 100 मान लिया। तो अगर ए और बी की बात करें, ए और बी कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, ए और बी साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं 60% काम, टोटल काम में 100, तो टोटल 60 काम ए और बी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बी और सी कितना काम कंप्लीट करेंगे, बी और सी करेंगे 70 काम कंप्लीट। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कंप्लीट करेंगे, 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ए अकेला कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा और सी कितना काम करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए टोटल कितना काम करेगा, 100 माइनस 70, ये हो जाएगा 30, ए 30 काम करेगा। इसी तरह इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास सी का काम आ जाएगा, सी काम करेगा 40 और टोटल काम है हमारा 100। ए कर रहा है 30, बी सी कर रहा है 40, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। बी कितना काम करेगा, बी काम करेगा 30। तो आप देख रहे हो टोटल काम जो कर रहा है, सबसे ज़्यादा टोटल काम कर रहा है सी, जो कि कर रहा है 40। और तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और एक साथ ही फिनिश करते हैं, तो तीनों को बराबर टाइम लग रहा है। इक्वल टाइम में सबसे ज़्यादा जो वर्क करेगा वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, एफिशिएंसी ये होता है ना, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट है यहाँ पे और तीनों के वर्क डिफरेंट है। ए 30 वर्क कर रहा है, सी 40 वर्क कर रहा है और बी 30 वर्क कर रहा है। सबसे ज़्यादा वर्क कौन कर रहा है, सी, तो सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें 3 सॉलिड स्फीयर्स दे रखे हैं जिनका रेडियस हमें दे रखा है 3, 4 एंड 5। इन्हें मेल्ट किया जाता है और इन्हें बड़े सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया जाता है। हमें 3 स्फीयर दे रखे हैं छोटे छोटे। ठीक है, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस दे रखा है हमें 4 और एक का रेडियस दे रखा है 5। एक बड़ा स्फीयर इन्हें मेल्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, हमें बताना है जो ये बड़ा स्फीयर बनाया है इसमें टोटल डिक्रीज कितना होगा टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी इस बड़े स्फीयर की, क्योंकि इन तीनों को ही मेल्ट करके ये बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है। तो अगर मैं सम करता हूँ इन तीनों स्फीयर्स की वॉल्यूम का, वो इक्वल होगा बड़े स्फीयर्स की वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम क्या होती है एक स्फीयर की, एक स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। ठीक है, यही वॉल्यूम होती है। अगर मैं इन तीनों स्फीयर्स की वॉल्यूम को ऐड करूँगा तो 4/3 कॉमन आ जाएगा, और इसी तरह जब मैं इस स्फीयर की वॉल्यूम निकालूंगा उसमें भी 4/3 π आएगा। ठीक है, कैपिटल R यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 4/3 सब में कॉमन आने वाला है, तो 4/3 को हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, r³ + r² + r³³ इक्वल हो जाएगा r³ के। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं, आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। r³ क्या हो जाएगा, 3³ + 4³ + 5³ = r³, 27 + 64 + 125 = r³, ये हो जाएगा 216 = r³। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, हमें बताना है टोटल डिक्रीज इन सरफेस एरिया, वॉल्यूम सेम रहेगी सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो हमें वही डिक्रीज बताना है कितने परसेंट सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr². ठीक है, तो इन तीनों में भी अगर हम इन तीनों का सरफेस एरिया ऐड करेंगे तो 4π कॉमन आने वाला है, और मैं इस बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करूँगा तो वो होगा 4πr². ठीक है, तो 4π यहाँ पे भी कॉमन आएगा, तो 4π से अगर हम 4π छोड़ दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है, रेशियो एक तरह से हमें बताना है यहाँ पे, तो हम 4π की टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों स्फीयर्स के सरफेस एरिया की बात करूँ वो हो जाएगा 3² + 4² + 5² ये हो जाएगा 3² हो जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 25 ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये एग्जैक्ट सरफेस एरिया नहीं है, इसे अगर हम 4π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट सरफेस आएगा, लेकिन हमें उसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज बतानी है। ठीक है, ये हो गया इन तीनों स्फीयर्स का सरफेस एरिया।
इसी तरह से अगर मैं इस स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर कितना है, आर आया था हमारा 6, ये हो जाएगा 36। ठीक है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया 36। परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं 50 में से 36 को माइनस कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 50 × 100। ठीक है, ये हो जाएगा 15 − 36 = 14, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 14 × 2 कितना हो जाएगा 28% डिक्रीज हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया, जो कि है ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज 60.7 ईयर्स। 120 मेंबर्स की जो एवरेज एज है वो है 60.7 ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, हम 3 नए मेंबर सोसाइटी में ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारी एवरेज एज जो बन जाती है वो हो जाती है 56.3 ईयर्स। ठीक है, तो 30 मेंबर्स अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 150 मेंबर्स। 150 मेंबर्स की हमारे पास जो एवरेज है, एज आ गई है, वो है 56.3 ईयर्स। हमें बताना है जो 30 मेंबर्स नए नए ज्वाइन हुए हैं उनकी एवरेज एज हमें बतानी है। तो एक तरीका तो यह है, बेसिक से आप पहले 120 को मल्टीप्लाई करो 60.75 से, और फिर 150 को मल्टीप्लाई करो आप 56.3 से। जो यहाँ पे आंसर आएगा उसमें से इस वाले आंसर को सब्ट्रैक्ट करके उसे 30 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यह है बेसिक तरीका, लेकिन आपको ये नहीं करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम रेशियो से निकाल सकते हैं, 120 और 150 को अगर मैं आपस में काट दूँ तो ये हो जाएगा 30 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास पहले 4 मेंबर्स थे और बाद में एक और मेंबर जुड़ा है, 4 मेंबर्स की एवरेज एज थी हमारे पास 60.7 ईयर्स और 5 मेंबर्स की जो हमारी एवरेज एज है वो है 56.3 ईयर्स, और हमें जो बीच में एक मेंबर जो नया ऐड हुआ है उसकी एज बतानी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं जो नए मेंबर की एज होगी वो हो जाएगी 5 × 56.3 − 4 × 60.7। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करोगे तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, आप देख रहे हो चारों ही आंसर में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, चारों ही आंसर की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो आप यूनिट डिजिट निकाल के डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है 5, इसी तरह मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से तो हमारे पास आएगा 8, 5 − 8। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट बतानी है तो यहाँ पे 5 की जगह हम 15 भी लिख सकते हैं, 15 − 8 कितना होता है 7, जो हमारा आंसर होगा उसकी लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी वो होने वाली है 7। तो अगर आप चारों ऑप्शंस देखें तो फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, P/Q = R/S = T/U = √5। ठीक है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा P²/Q² = R²/S² = T²/U² = 5। हमें वैल्यू निकालनी है 3P²+4R²+5T² / 3Q² + 4S² + 5U². ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करें, पहले इसे लेंगे और इसे लेंगे, तो ये हो जाएगा P² = 5Q², इसी तरह से R² = 5S² और T² = 5U². ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें एक्सप्रेशन दिया गया था 3P² + 4R² + 5T² / 3Q² + 4S² + 5U². ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 × 5Q² + 4 × 5S² + 5 × 5U² / 3Q² + 4S² + 5U². अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से 5 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 5 3Q² + 4S² + 5U² / 3Q² + 4S² + 5U². ठीक है, ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये बेसिक था, बेसिक से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर की कहीं ना कहीं बात हो रही है और इनके आगे के जो कोफिशियंट हैं वो भी सेम है, पी के आगे का जो कोफिशियंट है वही क्यू के आगे का कोफिशियंट है, आर के आगे का जो कोफिशियंट है वही एस के आगे का कोफिशियंट है, और जो टी के आगे का कोफिशियंट है वही यू के आगे का कोफिशियंट है, और P/Q = R/S = T/U है जो कि दे रखा है √5। ये सिंगल वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे हमसे स्क्वायर पूछा है तो आप इसका स्क्वायर निकालोगे
तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर फाइव के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर की यहाँ पे बात की गई है तो फाइव अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आप सारी चीज़ें आपस में कर जाएंगे और आपका आंसर बचेगा फाइव। तो इस तरह से अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, हमें वैल्यू बतानी होती थ्री पी क्यूब प्लस फोर आर क्यूब प्लस फाइव टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री की क्यूब प्लस फोर एस क्यूब प्लस फाइव यू क्यूब, इस तरह की कोई वैल्यू अगर हमसे पूछी जाती तो हम डायरेक्टली कह सकते थे जो हमारा आंसर होता वो होता रूट फाइव क्यूब। रूट फाइव क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइव रूट फाइव। तो उस केस में हमारा ये आंसर हो जाता। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सोल्व करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे। और हमें क्या दे रखा है, ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स, सभी एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट बनेगा वो होगा ए। तो हम कह सकते हैं ए हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। और क्या हमें दे रखा है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें तो उसे हम कहते हैं इन सेंटर। तो बी हमें क्या दे रखा है, इन सेंटर। हमें एंगल पी बी आर की वैल्यू दे रखी है और हमें एंगल पी ए आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पी यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ए, और इसी तरह से यहाँ पे बी एक पॉइंट मान लेते हैं। पी बी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, पी बी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, एंगल पी बी आर इक्वल है 105 डिग्री के, और हमें वैल्यू बतानी है एंगल पी ए आर की, ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। ये दे रखा है हमें 105 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो आप कह सकते हो एंगल पी बी आर इक्वल होता है एंगल पी क्यू आर बाय 2 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यही प्रॉपर्टी होती है इसकी, इन सेंटर की प्रॉपर्टी यही होती है ना। तो एंगल पी बी आर दे रखा है हमें 105 डिग्री। एंगल पी क्यू आर को मैं खाली क्यों लिख देता हूँ, क्यू बाय 2 प्लस 90 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाई 2, क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 30 डिग्री, ठीक है। क्यों हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री, पी ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल पी ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 150 डिग्री। 150 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया था ये गलत क्वेश्चन था। कई बार एग्जाम में गलत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में सभी को पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो या नहीं करते कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरे नंबर इस तरह के क्वेश्चंस में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक प्लेन दिया गया है जिसके ऊपर चार लाइंस हैं, चार लाइंस एक प्लेन के ऊपर दी गई हैं। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। चार लाइन की अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल है कि चारों में से कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, तो जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैं चार लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ, तीन ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी, तो तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। इसी तरह कितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, हमें क्या बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होते, ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है एन सी आर, ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। एन सी आर से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेथड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास, फोर, फोर सी, और हमें इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइंस चाहिए, मतलब एक पॉइंट अगर हमें चाहिए इंटरसेक्शन का तो मिनिमम हमें कितनी लाइंस चाहिए, दो लाइंस। दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलता है। तो दो लाइंस हमें चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4c2, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल होता है 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो चार लाइन से हमें मिल सकते हैं एक प्लेन में वो होंगे 6, तो 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 135 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब बी प्लस 10 क्यूब सी माइनस 3 साइन ए कोस बी 10 सी। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा,
एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये इक्वल होता है जीरो के जब ए प्लस बी प्लस सी या तो जीरो हो या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो, इन दोनों केसेस में ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल होता है और हमें यही एक्सप्रेशन दे रखा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन हमसे पूछा जाता है उसका आंसर होता है जीरो। अगर एग्जाम में मैं बैठा हूँ और मेरे पास सिर्फ दो या तीन सेकंड है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैं आँख बंद करके इस क्वेश्चन पे टिक कर दूंगा, ऑप्शन नंबर वन पे टिक कर दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसे सोल्व भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये एक्सप्रेशन देखा तो मेरे दिमाग में ये क्लिक करेगा तो मैं चेक करके देखूंगा कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, ए होगा हमारा साइन ए, बी होगा हमारा कोस बी और सी हमारा क्या होगा टेन सी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर हम करें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस बी प्लस टेन सी, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस कोस 60 प्लस टेन 135। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 और टेन 135 की वैल्यू होती है 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 135 को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा माइनस कोट 45, माइनस कोट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1-1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एसएससी ने पूछे हैं, तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की, हमें एक्सप्रेशन क्या दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमें पता होता है क्या होता है 1, ठीक है। अब कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन में कोई भी थीटा की एक वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे जो आंसर आता है वो रख के अपना आंसर बता देते हैं और गलत आंसर को टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि थीटा की आप कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता किस थीटा की वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देगा। तो आपको बेसिक से चलना है, इस इक्वेशन को जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर चुके हैं जो कि होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करूँ कोट स्क्वायर थीटा में तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस में है आपस में, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अगर मैं इसे लिखूँ ए कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2√ab, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं वही वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू भी क्या है 1, ए यहाँ पे 1 है बी भी यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2√1 × 1, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 × 2, ये हो जाएगा 3 + 4 और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना आप यहाँ पे एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट लगा के भी यूज कर सकते हो। एपी और जीपी में कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन का यूज करके भी आप यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन इसके इस सेट के जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपसे मैं यही बता लेता हूँ आने वाले सेशन में और सेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो।